एक शख्स जो कहता था कि ममता बनर्जी बीफ खाती हैं और बीफ खाने की वजह से ही ममता ने अटल बिहारी वाजपेयी को धमकी दी कि अगर उन्होंने देश या पश्चिम बंगाल में बीफ बैन कराया तो ममता वाजपेयी सरकार गिरा देंगी। एक शख्स जो कहता था कि अमिताभ बच्चन पेप्सी का ऐड इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी आंत पेप्सी पीने की वजह से खराब हो गई थी। एक शख्स जो कहता था कि हेमा मालिनी लक्स साबुन से नहीं बल्कि बेसन में मलाई डालकर नहाती हैं और पूरे देश को ये बात नहीं बताती वरना पूरे देश की महिलाएं हेमा मालिनी की तरह खूबसूरत हो जाएंगी। जुकाम से लेकर कैंसर तक सभी बीमारियों का इलाज के जो दावे आज बाबा रामदेव करते हैं उनकी शुरुआत इसी शख्स ने ही की थी। वो कहता था कि पिछले 20 सालों में वो कभी बीमार नहीं पड़ा, अंगूठे पर मेथी का दाना बांधकर जुकाम ठीक कर लेता था। समर्थकों की माने तो ये शख्स आज यदि जिंदा होता तो भारत में स्वदेशी और आयुर्वेदिक का शायद सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका होता, बाबा रामदेव से भी बड़ा। लेकिन फिर मात्र 43 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। समर्थक दावा करते हैं कि ये मौत नहीं हत्या थी। हम बात कर रहे हैं राजीव दीक्षित की, जो कभी बाबा रामदेव के साथी और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के सेक्रेटरी हुआ करते थे। मृत्यु के एक दशक बाद भी उनके वीडियोस YouTube पर लाखों में देखे जाते हैं। क्या थी राजीव दीक्षित की कहानी, क्यों उनकी मौत विवादों के घेरे में आई, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। राजीव दीक्षित की पैदाइश 30 नवंबर 1967 के रोज यूपी के अलीगढ़ में हुई थी। बताया जाता है कि उन्होंने इलाहाबाद से बीटेक और फिर आईआईटी कानपुर से एमटेक की पढ़ाई की थी। हालांकि इसको लेकर कुछ विवाद भी है। 2015 में एक आरटीआई के जवाब में आईआईटी कानपुर ने बताया कि राजीव दीक्षित नामक छात्र उनके यहाँ से पास आउट छात्रों की लिस्ट में नहीं है। इसके अलावा अपने एक वीडियो में राजीव दीक्षित दावा करते हैं कि उन्होंने फ्रांस से पीएचडी की थी और सीएसआईआर में एंटी ग्रेविटी पर रिसर्च का काम किया था। वो बताते हैं कि उनकी रिसर्च के लिए जर्मनी का मैक्स प्लांट इंस्टीट्यूट अरबों डॉलर देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनकी रिसर्च किसी और देश के हाथ लगे, इसलिए उन्होंने रिसर्च बेचने से इनकार कर दिया। हालांकि न इन दावों के समर्थन में वो कोई सबूत पेश करते थे, ना ही उनके द्वारा एंटी ग्रेविटी पर लिखा कोई रिसर्च पेपर सामने आता है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद राजीव का नाम सुर्खियों में आना शुरू हुआ। उन्होंने यूनियन कार्बाइड कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किए। हालांकि उनका एक दावा यह भी था कि यूनियन कार्बाइड वाली घटना अमेरिका की एक सोची समझी साजिश थी और इसे भारतीयों पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर अंजाम दिया गया था। यहाँ से राजीव दीक्षित ने विदेशी कंपनियों के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी। उन्होंने देश भर में घूमकर भाषण देने शुरू किए। इन भाषणों में वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था, टैक्स सिस्टम, मॉडर्न मेडिसिन, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की आलोचना किया करते। एक भाषण में वो कहते हैं कि भारत का वर्तमान लीगल सिस्टम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून की फोटोकॉपी जैसा है और इसे बदला जाना चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में राजीव दीक्षित कहते हैं कि देश का टैक्सेशन सिस्टम डिसेंट्रलाइज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यही देश में भ्रष्टाचार की जड़ है। उनका दावा था कि देश का 80% टैक्स रेवेन्यू नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के हिस्से में जाता है। भारत के बजट सिस्टम को ब्रिटेन से प्रेरित बताने वाले राजीव 500 और 1000 के नोट बंद करने की सलाह देते थे। उनके हिसाब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो भारत को आत्मघाती स्थिति में ले जा रहे हैं। राजीव कहते थे कि देश के विचारकों ने खेती के क्षेत्र में पर्याप्त काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज किसान खुदकुशी करने को मजबूर है। राजीव दीक्षित ने विदेशी कंपनियों के खिलाफ भी खूब बोला। मॉडर्न मेडिसिन की आलोचना करते हुए वे कहते थे कि विदेशी कंपनियों ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए मॉडर्न मेडिसिन को बढ़ावा दिया, जिसके कारण लोग और बीमार हो गए और कंपनियों ने मोटा मुनाफा कमाया। वो आयुर्वेद को मॉडर्न मेडिसिन से बेहतर बताते हुए कहते थे कि भारत का मेडिकल सिस्टम आयुर्वेद पर आधारित होना चाहिए। स्वदेशी की वकालत करते हुए उन्होंने ऐसे पर्चे बंटवाए जिनमें लिखा होता था कि कौन सी कंपनी विदेशी है और कौन सी भारतीय। अंग्रेजी का एक मुहावरा है, द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशन। आसान शब्दों में कहें तो अच्छी नीयत कभी कभी गलत राह पर भी ले जाती है। स्वदेशी और भारतीयता की वकालत करने वाले राजीव दीक्षित की नीयत निसंदेह अच्छी रही होगी, लेकिन इस बीच उन्होंने ऐसे ऊटपटांग दावे करना शुरू किए जिनका न कोई सिर था न पैर। उदाहरण के लिए उनका दावा था कि अमेरिका जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में करना चाहता है और इसी वजह से वो पाकिस्तान को पैसे देता है ताकि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल सके और कश्मीर मसले पर भारत की नाक में दम कर सके।
ऐसा ही एक दावा उनका प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर भी था, जिसमें वो कहते हैं जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडवीना एक ही कॉलेज में पढ़े थे और एडवीना से दोनों लगे हुए थे। एडवीना इतनी चालाक महिला थी कि दोनों को हैंडल करती थी। जिन्ना और नेहरू चरित्र के बेहद हल्के आदमी थे। एडवीना के पास नेहरू की आपत्तिजनक तस्वीरें थी, जिनके आधार पर नेहरू को ब्लैकमेल करके भारत का बंटवारा कराया गया। ऐसे ही कई और दावे हैं जिनका कोई तुक नहीं है। एक जगह वो अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का समर्थन करते हुए कहते हैं कि हमला खुद अमेरिका ने करवाया था। इन दावों ने उनकी प्रसिद्धि में खूब इजाफा किया और देश भर में उनके लाखों फॉलोअर्स इकट्ठा हो गए। साल 2009 में राजीव ने बाबा रामदेव के साथ काम करना शुरू किया। रामदेव ने अब तक अपने योग शिविरों और पतंजलि योगपीठ के जरिए नाम कमाना शुरू कर दिया था। दोनों ने मिलकर काले धन के खिलाफ भारत स्वाभिमान आंदोलन नाम की मुहिम शुरू की। आंदोलन के तहत राजीव और रामदेव ने योजना बनाई कि लोगों को अपने साथ जोड़ने के बाद 2014 में वो देश के सामने अच्छे लोगों की एक नई पार्टी का विकल्प रखेंगे और लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे। उस दौर में रामदेव आस्था और संस्कार के जरिए योग का प्रचार किया करते थे। राजीव दीक्षित भी इन्हीं चैनलों के माध्यम से भाषण दिया करते, जिसके चलते उनकी प्रसिद्धि में खूब इजाफा हो रहा था। भारत स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत के कुछ महीने बाद ही 30 नवंबर 2010 को राजीव दीक्षित की मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक था, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं, साजिश थी। चलिए जानते हैं कि क्या हुआ था राजीव दीक्षित की मृत्यु के रोज। नवंबर के आखिरी सप्ताह में राजीव छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, जहां उन्होंने अलग अलग जगहों पर व्याख्यान देने शुरू किए। 26 से 29 नवंबर तक अलग अलग जगह व्याख्यानों के बाद जब वो 30 को भिलाई पहुंचे, तब वहां उनकी तबीयत खराब हो गई। वहां से दुर्ग जाने के दौरान कार में उनकी हालत बहुत खराब हो गई और उन्हें दुर्ग में रोका गया। दिल का दौरा पड़ने से उन्हें भिलाई के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और फिर वहां से अपोलो BSR हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद एक चार्टर्ड विमान से राजीव के शव को हरिद्वार लाया गया। राजीव के समर्थकों का कहना है कि उस रोज राजीव का शव बैंगनी और नीला पड़ गया था। उनकी स्किन उधड़ी लग रही थी, नाक के आसपास काले नीले रंग का खून जमा हो गया था। ये देखकर वहां मौजूद लोगों को शक हुआ कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, हत्या हो सकती है। ये देखकर कई लोगों ने पोस्टमार्टम की मांग की, लेकिन राजीव के परिवार ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। अंत में राजीव का हरिद्वार में अंतिम संस्कार कर दिया गया। चूंकि शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, इसलिए आगे चलकर राजीव से जुड़े लोगों ने उनकी हत्या की आशंका जताई। कई बार उंगलियां बाबा रामदेव के ऊपर भी उठी, लेकिन रामदेव इन आरोपों से इनकार करते रहे। बाबा रामदेव के अनुसार उन्होंने राजीव से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश की थी। राजीव की तबीयत खराब थी, लेकिन वो एलोपैथी इलाज से इनकार कर रहे थे। एक मुद्दा यह भी उठा कि राजीव की बॉडी को वर्धा लाने की बजाय हरिद्वार में रामदेव के पतंजलि आश्रम क्यों ले जाया गया। साल 2017 में बाबा रामदेव से जुड़ी एक किताब आई थी, गॉडमैन टू टाइकून। किताब में राजीव की हत्या से जुड़े कई और सवालों को उठाया गया था। बाबा रामदेव इस किताब के खिलाफ कोर्ट गए और दलील दी कि किताब में कही बातों से उनकी छवि को नुकसान हो सकता है। कोर्ट ने बाबा रामदेव के दावों को स्वीकार करते हुए किताब पर बैन लगा दिया था। इसके बाद भी सालों से राजीव के समर्थक उनकी मौत में किसी षड्यंत्र का आरोप लगाते हैं। इसी के चलते साल 2019 में प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा इस केस को दोबारा खोले जाने के निर्देश दिए गए, लेकिन राजीव की हत्या हुई थी या स्वाभाविक मृत्यु, इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। इसी के साथ आज का तारीख का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसे लिखा था मेरे साथी कमल ने, कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया जतन ने। अब देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।